Let's continue our topic redox reaction. मैंने redox reaction में पिछले lecture में oxidation state का concept बता दिया था और ion electron method से मैं reaction को balance करना सिखा रहा था. Acidic medium में मैंने reaction को balance करना सिखाया था और basic medium की reaction हम लोग कर रहे थे. मैंने जो sheet दी थी उस sheet का I think second problem लिया था. हम सेकेंड प्रॉब्लम कर रहे थे इस शीट का. और मुझे बेसिक मीडियम में किस तरह से हाइड्रोक्सिल और वाटर मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करके रिएक्शन को बैलेंस करते हैं यह सिखाना है. चलिए पहले तो मैं तीनों चारों रिएक्शन को बैलेंस करवाता हूं, फिर मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को समराइज करूंगा. द सेकेंड रिएक्शन इज दिस Cl2 plus hydroxyl ion giving you Cl negative plus ClO4 negative. First of all, इस reaction को देखते से ही हम सबसे पहले पूछेंगे what is this reaction called? This is a peculiar type of redox reaction. And such redox reaction we call them disproportionation reaction. Or we also call it auto-oxidation, auto-reduction. Auto-oxidation and reduction. We also call it self-oxidation reduction. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं समझाता हूं. इसमें एक ही मॉलिक्यूल का कुछ एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कुछ एटम रिड्यूस हो रहे हैं. क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है इसमें से कुछ क्लोरीन एटम रिड्यूस हो रहे हैं. कैसे? Cl2 से वो Cl-1 पर जा रहे हैं. इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के कुछ एटम रिड्यूस हो रहे हैं और कुछ एटम इसी क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ClO4 नेगेटिव में क्लोरीन प्लस 5 पर. तो एक ही मॉलिक्यूल के जब कुछ एटम ऑक्सीडाइज हो जाए कुछ एटम रिड्यूस हो जाए तो इसे हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं. क्लोरीन ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लोरीन ही रिड्यूसिंग एजेंट है. कुछ क्लोरीन के मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और कुछ क्लोरीन के मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर रहे हैं. इस तरह के रिएक्शन को हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं या फिर ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं या फिर सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं. अब इसमें हाइड्रोक्सिल आयन सिर्फ एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है. इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है. हम हाफ रिएक्शन में यह लिखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जब हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं. तो पहली रिएक्शन Cl2 गिविंग यू Cl+5. Cl2 के कुछ मॉलिक्यूल Cl+5 दे रहे हैं. हमने इस प्रोसेस को सिर्फ उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में लिखा. Cl2 गिविंग यू Cl-. इस तरीके से हमने दो रिएक्शन लिखी. अब ये अंडरस्क्रिप्ट लिखना कंपलसरी होता है, दोनों में ही लिखना पड़ेगा. Cl2 है, दो क्लोरीन है, तो दोनों हाफ रिएक्शन में दो क्लोरीन को हमने बैलेंस कर दिया. Cl2 इधर जीरो चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है और यह +5, दो एटम +5 पर है, 10 पॉजिटिव चार्ज है. हाँ, अच्छा हाँ, इधर +7 है. ये आप परफेक्ट, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो.
इधर क्लोरीन प्लस सेवन पर है, प्लस सेवन पर है। आपका नाम बता दो, आपका नाम? देवेंद्र सिंह राजपूत। बिल्कुल बिल्कुल सही, यह प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। अब इधर प्लस 14 चार्ज है और इधर जीरो चार्ज है। हम 14 इलेक्ट्रॉन्स इधर से बाहर कर देंगे, जीरो चार्ज से 14 इलेक्ट्रॉन्स बाहर करने की वजह से प्लस 14 चार्ज आएगा। Cl2 giving you 2 Cl negative। ऐसा कैसे होगा कि Cl2 में यदि दो इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कर दिया जाए तो वह 2 Cl नेगेटिव में चला जाएगा। अब रिएक्शन को फर्दर अगले स्टेप में इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के लिए हम दूसरी रिएक्शन को 7 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और इधर हो गया 8 Cl2 गिविंग यू 14 नेगेटिव प्लस 2 Cl एट प्लस 7। और अब हम ये जो कोएफिशिएंट आए हैं इनको बिल्कुल फिक्स कर देते हैं। अब रिमेनिंग रिएक्शन को हमें बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्सिल और वाटर मॉलिक्यूल से बैलेंस करना है। मैं दोबारा बताता हूं हाइड्रोक्सिल और वाटर मॉलिक्यूल से कैसे बैलेंस करेंगे। अब यह जो रिएक्शन आई है इसमें कोएफिशिएंट बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें कितने ऑक्सीजन किस जगह पर एक्सेस में है इसे देख लेते हैं। सिर्फ ऑक्सीजन ही है, 8 ऑक्सीजन के एटम्स मुझे प्रोडक्ट साइड में ज्यादा दिख रहे हैं। प्रोडक्ट साइड में 8 ऑक्सीजन के एटम ज्यादा देखकर मैं प्रोडक्ट साइड में ही 8 वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ दूंगा। 8 ऑक्सीजन एटम के साथ 8 वाटर मॉलिक्यूल और इसके डबल हाइड्रोक्सिल आयन अपोजिट साइड जोड़ दो। ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, क्लोरीन भी बैलेंस है। यह रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है या नहीं इसे वेरीफाई करने के लिए हम इसी समय चार्ज देख लेते हैं। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड चार्ज बराबर होना चाहिए, 14 नेगेटिव प्लस 2 नेगेटिव 16 नेगेटिव और रिएक्टेंट साइड भी 16 नेगेटिव। थ्रूआउट इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड करा जा सकता है, 4Cl2 प्लस 8 OH नेगेटिव गिविंग यू 7Cl नेगेटिव प्लस ClO4 नेगेटिव प्लस 4H2O। दिस रिएक्शन रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म एंड सच अ रिएक्शन इज टर्म्ड एज सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन। बड़े ध्यान से देखिए। अब मैं इसी समय क्यों ना बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका इसलिए सबसे आखिरी में सिखाता हूं, पहले 3 रिएक्शन और बैलेंस कर लेता हूं फिर उसको समाप्त करूंगा। अगली रिएक्शन थर्ड वाली रिएक्शन आप हम देखते हैं H2 प्लस R4 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव गिविंग यू ReO2 प्लस H2। नाउ वी आर आस्क्ड टू बैलेंस दिस रिएक्शन। व्हाट वुड बी दिस रिएक्शन कॉल्ड? इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? सबसे पहले यह देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड गैसियस स्टेट में है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। प्रोडक्ट साइड यह वाटर है, मतलब प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा तो रिड्यूस कौन हो रहा? रिड्यूस हो रहा है रीनियम। इधर रीनियम प्लस 7 पर है और यह रीनियम प्लस 2 पर जा रहा है, प्लस 4 पर जा रहा। रीनियम रिड्यूस हो रहा,
यह मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन है और इस मॉलिक्यूल में रीनियम का रिडक्शन. दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स. इसे हम इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स कहें क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के स्पीशीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा. हाइड्रोजन जो कि स्वयं ऑक्सीडाइज हो रहा है, यह हाइड्रोजन कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट. और ReO4 नेगेटिव जो स्वयं रिड्यूस हो रहा है, यह कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस, हाइड्रोजन को उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ और इधर भी H2 को उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, इधर भी अंडर स्क्रिप्ट H2 में लिखूंगा, इधर भी H2 लिखूंगा. और दूसरे रिएक्शन में Re+7 गिविंग यू Re+2, रीनियम +7 से +2. अब हाइड्रोजन 0 से +1 पर जाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, यहां ऑक्सीडेशन हो गया. और रीनियम +7 से +4 पर जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा. रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कैंसिल करेंगे इस तरह से. और फिर बेसिक स्केलेटन रिएक्शन हम लिख देते हैं. कोएफिशिएंट बिल्कुल फिक्स होगा, हमें यह पता लग गया कि +4 जो रीनियम है इसका कोएफिशिएंट 2 है और +7 जो रीनियम है उसका कोएफिशिएंट 2 है, वाटर का कोएफिशिएंट 3 है. अब यह हम कोएफिशिएंट के साथ इसे लिख देते हैं, इन्हें अब हम नहीं बदलेंगे. CH2+2 ReO4 नेगेटिव गिविंग यू CH2+2 ReO4. रीनियम और हाइड्रोजन तो बैलेंस है, अब हमें अनबैलेंस्ड ऑक्सीजन को देखना है और अनबैलेंस्ड ऑक्सीजन को देखकर हमें उन्हें बैलेंस करना है हाइड्रोक्सिल आयन से और वाटर मॉलिक्यूल से. बेसिक मीडियम में हम चाहे जितने हाइड्रोक्सिल आयन और चाहे जितने वाटर मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. 2 × 4 = 8 ऑक्सीजन एटम्स आर ऑन रिएक्टेंट साइड. 3+4 = 7. We have got 7 oxygen atom on product side. It means on reactant side we have 1 oxygen atom in addition. Reactant side 1 oxygen atom jada. Reactant side 1 oxygen atom ko dekhta hai, jo tarika hai. Reactant side hi 1 water molecule dalegi. प्रोडक्ट साइड उसके डबल हाइड्रोक्सिल आयन डाल देंगे. दिस इज हाउ वी बैलेंस द रिएक्शन. अल्टीमेटली द बैलेंस रिएक्शन इज CH2+2 ReO4 नेगेटिव गिविंग यू +2 H2O+2 ReO2+2 hydroxyl ion. This is the completely balanced reaction. अब मैं एक बार summarize करा ही देता हूं कि basic medium में हम H positive और oxygen atom को कैसे balance करते हैं, acidic medium में कैसे करते हैं. मैं इधर लिखता हूं इन बेसिक मीडियम कहीं पर
भी यदि एन ऑक्सीजन एटम ज्यादा दिख रहे हैं, बेसिक मीडियम में कहीं पर भी यदि एन ऑक्सीजन एटम ज्यादा दिख रहे हैं, तो जहां एन ऑक्सीजन एटम ज्यादा दिख रहे हैं वहीं आप एन वाटर मॉलिक्यूल डालोगे और दूसरी तरफ डबल 2N हाइड्रोक्सिल हाइड। इस तरीके से N ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाएगा और कहीं पर भी यदि N हाइड्रोजन ज्यादा दिख रहे हैं तो जहां N हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं N हाइड्रोक्सिल आयन चार्ज दोगे और अपोजिट साइड N वाटर मॉलिक्यूल। This is how we balance the reaction in basic medium. इसी बात को यदि मैं acidic medium में भी लिखता हूं कि acidic medium में हम water पॉजिटिव के द्वारा कैसे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, इन एसिडिक मीडियम कहीं पर भी एन हाइड्रोजन ज्यादा है तो बिल्कुल साधारण सा तरीका है, अपोजिट साइड आप एन एच पॉजिटिव डाल दीजिए बैलेंस। कहीं पर भी यदि N ऑक्सीजन ज्यादा है तो उसी साइड जहां N ऑक्सीजन ज्यादा है वहां 2NH प्लस डालिए, 2NH प्लस N ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके N वाटर मॉलिक्यूल्स दे देगा। दिस इज हाउ वी बैलेंस द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। यह चीज लिख लीजिए। चलिए इसी में हम फोर्थ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। दिस इज द रिएक्शन ClO2 प्लस SbO2 नेगेटिव इन बेसिक मीडियम गिव्स यू Cl O2 negative plus SbOH whole 6 negative. मैं आपको समझ देता हूं, try balancing it within 2 or 3 minutes. 2 से 3 मिनट का समय दूंगा इसको फटाफट बैलेंस कीजिए। चलिए इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर देते हैं। ClO2 इधर प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर दिखेगा, इधर प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर। SbO2 नेगेटिव इधर प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और इधर Sb एंटीमनी प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। हमने जिनका लॉक चेंज हो रहा है उनको आइडेंटिफाई कर दिया। अलग अलग मॉलिक्यूल में इधर क्लोरीन का इधर एंटीमनी का अलग अलग मॉलिक्यूल में लॉक चेंज हो रहा है, इसलिए वंस अगेन हम इसे कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स और बैलेंस करने के लिए क्लोरीन एट प्लस 5 गिविंग यू क्लोरीन एट प्लस 3, एंटीमनी एट प्लस 3 इज गिविंग यू एंटीमनी एट प्लस 5। इस जगह पर हमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा, इस जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा। बैलेंस करने के लिए अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से कैंसिल आउट हो जाते हैं और इधर हो जाता है 2Cl एट प्लस 4 प्लस एंटीमनी एट प्लस 3 गिविंग यू 2Cl एट प्लस 3 एंड एंटीमनी एट प्लस 5। 2Cl
as the O2 negative giving you 2 ClO2 negative plus SB OH whole 6 negative. Chlorine or antimony to puri tarah se balance jab remaining reaction ko balance karna hai. Aur remaining reaction mein kya hai, ye hydroxyl ion jo dekh rahe na, 6 hydroxyl ion. Basic medium mein inko to seedha seedha balance kar diya jata hai. Aap to 6 hydroxyl ion jo dekh rahe ho, aise kaise 6 hydroxyl ion idhar likh do. So 6 hydroxyl ion ko balance ye ho gaya. अब इसमें आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग मत देखो, आप तो पूरा हाइड्रोक्सिल आयन को ऐसा कैसे लिख दो, क्योंकि बेसिक मीडियम है, चाहे जितने हाइड्रोक्सिल आयन किसी भी डायरेक्शन में लिखे जा सकते हैं। अब आप देखो अनबैलेंस ऑक्सीजन, इसको हटा के, इस हाइड्रोक्सिल आयन को हटा के 2 × 2 = 4 ऑक्सीजन इधर दिखाए और 4 + 2 = 6, 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड ज्यादा दिख रहे हैं मुझको, 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड ज्यादा दिख रहा है, हाइड्रोक्सिल बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस, एंटीमनी बैलेंस, 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड ज्यादा, रिएक्टेंट साइड 2 ऑक्सीजन ज्यादा देखकर मैं कहता हूं 2 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड जोड़े जाए, 2 ऑक्सीजन यदि रिएक्टेंट साइड ज्यादा है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड जोड़े जाए और 5 साइड उसके डबल हाइड्रोक्सिल आयन, 4 हाइड्रोक्सिल आयन जोड़ दो, यह रिएक्शन बैलेंस हो गई। मैं फुली बैलेंस रिएक्शन को इस तरह से लिखूंगा 2ClO2 प्लस SbO2 नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव प्लस 2H2O। हाइड्रोक्सिल आयन मैंने 2 काट दिए, 4 हाइड्रोक्सिल आयन कैंसिल कर दिए, 2ClO2 नेगेटिव प्लस SbOH होल 6 नेगेटिव, और इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो चुकी। इधर 4 हाइड्रोक्सिल आयन, इधर 6 हाइड्रोक्सिल आयन, करके 2 हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्टेंट साइड दिखने लगा। दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन। अब मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से लास्ट रिएक्शन बैलेंस करूंगा, इसके बाद मैं अब ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड सिखाने लगूंगा। पहले इसे ध्यान से देख लीजिए, एंड देखिए फर्स्ट रिएक्शन OH negative giving you iodine plus IO3 negative. सबसे पहले what would you call this reaction? इस reaction को आप कैसे reaction कहोगे? How would you name this reaction? इस reaction को आप क्या कहोगे? Once again इधर आयोडीन का ही रिडक्शन हो रहा है और बिल्कुल सही डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, आयोडीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस रिएक्शन वुड बी टर्म्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और दिस वुड बी कॉल्ड ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन और सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्योंकि सेल्फ आयोडीन अपने आप को ही ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और अपने आप को ही आयोडीन रिड्यूस भी कर रहा है, इसीलिए हम इसे सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब रिएक्शन को बैलेंस करना आसान है, I2 ही I नेगेटिव दे रहा है और I2 ही आयोडीन H+5 दे रहा है, इधर 2 आयोडाइड 2 आयोडीन H+5, इस तरह से। अब I2 at 0 is giving you 2 iodide,
इस फिनोमेना में दो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होंगे एंड आई टू इज गिविंग यू टू आयोडीन एट प्लस फाइव. इस फिनोमेना में 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे. फर्दर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम पहली रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं. 10 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हमें कैंसिल होते हुए दिखेंगे और 6 I2@0 इज गिविंग यू 10 आयोडाइड प्लस 2 आयोडीन एट प्लस 5. रिएक्शन को हमको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है. आयोडीन तो पूरी तरह से बैलेंस दिख ही रहा है. 6 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड हमें ज्यादा दिख रहा है. 6 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड ज्यादा देखकर हम 6 वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड ऐड करते हैं. जिस डायरेक्शन में जितने ऑक्सीजन ज्यादा है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल उसी जगह पर ऐड कीजिए और उसके डबल हाइड्रोक्सिल आयन मीन्स 12 हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्टेंट साइड. इस तरह से यह रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस दिखने लगी है. मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं पूरी रिएक्शन को और अल्टीमेटली दिस इज द सिंपलेस्ट बैलेंस्ड रिएक्शन. एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन मेथड. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सीखने के बाद आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में यह हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका सीखा है बेसिक मीडियम में और एसिडिक मीडियम में. ये मेथड ये जो कंसेप्ट है हर एक मेथड में लगेगा. अगला जो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड बताने जा रहा हूं उसमें भी यह कंसेप्ट हमेशा लगेगा. अब इसके बाद हम क्यों ना इस शीट का जो फोर्थ प्रॉब्लम है उसको पूरा पूरा करते और उसे पूरा पूरा करते हुए हम ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड सीखेंगे इस रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए. देखिए अभी फिर भी जो रिएक्शंस आ रही है येट दे आर क्वाइट सिंपल. अभी भी जो मैं रिडॉक्स रिएक्शन बता रहा हूं ये कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाली रिएक्शन नहीं है. इनको बैलेंस हम बड़ी आसानी से करते चले जा रहे हैं. इनफैक्ट इसी शीट में आगे कुछ ऐसी रिएक्शंस भी हैं जो काफी अच्छी कॉम्प्लिकेटेड है और जिन्हें बैलेंस करना एक चैलेंज होगा. इसीलिए हम यह सिस्टमैटिक मेथड को सीख रहे हैं. एक बार यदि हम सिस्टमैटिक मेथड सीख लेंगे तो फिर रिडॉक्स रिएक्शन चाहे जितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए हम बड़ी आसानी